जिसका था, कमाई तो हो रही है, 30,000 रुपये महीना, 40,000 रुपये महीना कमा कर लेकर भी आ रहे हो, कमाई तो आपकी हो रही है, 30-40 हजार रुपये महीना आप कमा रहे हो, 50,000 रुपये महीना, 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए आप कमा भी रहे हो, पर आया और चला गया, उसका क्या करोगे? उसका करना क्या है? बहुत सुंदर संवाद है, ध्यान दीजिएगा। जिसके घर में कमाने वाले 2-4 हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा, पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान, अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर है। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए, संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आता, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है, पर उसके लिए यहां पर जो धन के लिए करते हैं उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं, मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं, कितने पत्ते डालते हैं, 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव, शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज, उससे भी जॉब सर्विस नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है, परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। गंगा का जल कोई साधारण नहीं, भागीरथ बाबा तब साधना में लगे, तो उनका हृदय चित्त वृत्ति मन बाबा में लगे, देवराज ने मन लगाया नहीं, और नहीं लगाया इसके बाद भी बाबा की करुणा देखिए कितनी हुई कि मरा प्राण की परिधान की, बहुत अच्छे कपड़ों की, आभूषणों की जरूरत नहीं, मेरे महादेव को प्रसन्न करने के लिए केवल तुम्हारे भीतर का जो मन है वो इतना साफ कर लीजिए कि भगवान तुम्हारे घर में उस मन के अंदर प्रवेश करें।